लाइट का मेरा घर, चारों ओर लाल प्रकाश, सामने शिव बाबा, अति सूक्ष्म बिंदु, सुख के सागर, जिनसे निरंतर सुख की लहरें मुझ तक पहुंचती हैं। मैं आत्मा अपने को बहुत हर्षित अनुभव करती, बाबा को देखते, याद करते, उनके सानिध्य में रहते, हर क्षण बेहद सुख का है। मन में इतनी खुशी है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव, क्योंकि मेरे माता पिता, बंधु सखा, टीचर साजन, मेरे सारे संबंध तीनों लोकों की सबसे सुंदर, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली आत्मा से है। अपने भाग्य पर इतराते हुए, अपने भाग्य की खुशी पर नशे के साथ हर्षित मुख, मैं सूक्ष्म बिंदी अब वापस ड्रामा की ओर बढ़ती हूं। सूक्ष्म लाइट, पुरानी दुनिया, पुराने कॉस्ट्यूम में प्रवेश करती हूं। आज मन में अपने लिए यही संकल्प है कि आज 8 घंटे बाबा की मदद करनी है। ओम शांति। हम आज जो है पिछले वाली मुरली को ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।
पिछली वाली मुरली, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर्स ले सकते हैं। वॉइस ठीक होगी। ठीक है, तो जो हम मुरली कंटिन्यू कर रहे हैं उसका एक जो की पॉइंट था, जो हमें बहुत ज्यादा साथ में रखने वाला लगा, और जो ज्ञान कहते हैं कि तीर की तरह है, तीर है माया को खत्म करने का, तो वो ज्ञान का ये पॉइंट ना, हर एक पॉइंट तीर की तरह है, और हमको जो पॉइंट हमने साथ में रखा पिछले कुछ दिन वो था कि माया छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए, पेरेंट्स उनको निर्भय बनाने के लिए डराते हैं ना। पेरेंट्स का हमारा लौकिक दुनिया का लॉजिक अलग है ना? हमें किसी को आगे बढ़ाना है ना, हमें हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, या ये जो भी कर रहे हैं उसमें मोटिवेटेड रहे, तो हमारा लॉजिक होता है लौकिकता में कि हम इनको और थोड़ा डिमोटिवेट करें ना, कुछ उल्टा बोलेंगे तो देन दे विल वो और ज्यादा उसमें एनर्जी लगाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में क्या है कि छोटे बच्चे को निर्भय बनाने के लिए माँ बाप उसको और डराते हैं ना, और फिर वो उस एक्सपीरियंस से वो निडर बन जाता है, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। हाँ, ऐसे कुछ कुछ आवाज निकालेंगे, या कुछ कुछ उसको कहानी बताएंगे या बात बताएंगे ना, कि वो डरे और उससे निडर बने, निर्भय बने। तो बाबा ने कहा ऐसे ही माया भी अपना बनाने के लिए बहु रूप धारण करती है। जब बहु रूप धारण करती है तो आप भी बहु रूप बनकर उसको परख लो, है ना। तो ऐसे ही माया भी क्या करती है, बहु रूप धारण करती है। हाँ, कैसे भी डराने के लिए कुछ कुछ वो अपना तरीका आजमाएगी। और इसको अगर हम समझ लें तो फिर द गेम इज ओवर ना, फिर कोई गेम नहीं है। तो ये इसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, मुझे खुश रहना है तो बातें क्या लगेंगी, आई विल जस्ट रिपीट लास्ट की फ्यू लाइंस। खेल लगेंगी, और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो, चाहे कोई अपमान करने वाला हो आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है ना, नीचे आ जाते हो तो खुशी कम हो जाती है, नीचे नहीं आओ है ना, नीचे नहीं आओ। तो नीचे आना मतलब है कि हम उस अपने रोल से अटैच हो गए, और जब रोल से अटैच होते हैं तो रोल का जो देखने का सोचने का नजरिया है, वो जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, वो सब फिर हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर, आज 4th मार्च है ना, तो हम इसके लिए यहाँ पर पूरे मार्च के लिए हम एक चैलेंज ले रहे हैं यहाँ पर। तो कौन कौन करेगा चैलेंज? चैलेंज अच्छा लगता है, चैलेंज कहें होमवर्क कहें, हम एंड ऑफ मार्च 31 मार्च तक ना एक चैलेंज लेंगे। अच्छा तो ये चैलेंज है, हाँ ये चैलेंज है। सब सबने यस लिखा है, सो नाइस है ना, कितना अच्छा, सबने यस लिखा है। तो ये चैलेंज है, डिसअपियर चैलेंज, डिसअपियर चैलेंज है ना। तो 1 महीने के लिए टिल 31 मार्च हम सबको ये चैलेंज है कि हर एक आत्मा जो है यहाँ पर, हम दिन में 5 बार ना, 5 बार ड्रिल करनी है ना, दिन में 5 बार, 24 घंटे में 5 टाइम्स ना ड्रिल करनी है ना? और ड्रिल करने का क्या मतलब है कि आत्मा कंप्लीटली इस जागृति में आए। जब भी हम ड्रिल करें तो कैसे करना है कि
कि ये पूरा जो अभी जो इस सेकेंड तक अभी जो बीता ना, सब कुछ एक एक हम कह लें ड्रीम है, एक स्टोरी है, यू नो, अभी इस सेकेंड तक जो भी बीता, यू नो, सब कुछ एक कहानी का हिस्सा था, सब कुछ एक यू नो स्टोरी बुक का पार्ट था, यू नो, जस्ट अ ड्रीम। और नाउ अब मैं आत्मा जग गई हूँ, और मैं जैसे ही जगी हूँ तो मैं किसके साथ हूँ? मैं अपने बहुत ही यू नो जादू की दुनिया में हूँ, अपने घर में हूँ, लाल प्रकाश की दुनिया में, ना? और अभी भी जैसे हम सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहा है रोल और बोल रहा है एक रोल, सोल फिर भी इस एक्सपीरियंस में है, ना? आत्मा फिर भी इस एक्सपीरियंस में है कि ये लाल प्रकाश की हमारी दुनिया है, बहुत इससे बड़ी, इससे तीनों लोकों में, इससे ग्रेट, इससे खूबसूरत, इससे मैजिकल कोई बात नहीं है कि हम आत्माओं का जो घर है, इतना सुकून का, प्यार का, जस्ट बियॉन्ड एवरीथिंग, इतना प्यारा घर है। और यहाँ पर जब हम इस लाल प्रकाश में हैं तो हम ना तो हम बाबा के साथ हैं, और सारी परिवारों के हाँ, सारी जो आत्माओं का जो परिवार है सब साथ में है ना, सब लोग साथ में है, सभी आत्माएं। और एक इन क्षणों में ना, इन मिनटों में जो नीचे जो कहानी चल रही है, जो स्टोरी बुक है, और उस स्टोरी बुक का जो कैरेक्टर है अनन्या, उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं, वो सब डिसअपियर, गॉन ना, गायब, बिल्कुल गायब, डिसअपियर है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल उन सब का एंड है ना, डिसअपियर। मतलब वी नो कि एक सेकेंड में ये जो कहानी स्टोरी बुक है, कब लास्ट पेज आ जाए और कब स्टोरी बुक ओवर हो जाए, वी डोंट नो। तो इट्स गोइंग टू डिसअपियर ना, एक एक चीज जो रियल लग रही है, एक एक चीज जिसके आधार पे कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग चल रही है, इट विल डिसअपियर, गायब हो जाएगा। तो अभी से इट इट डजेंट मैटर फॉर मी, ऐसा 5 बार करेंगे, ऐसा 5 बार हम करेंगे, 1 मिनट, 2-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो अब जो भी इसको पूरा करेगा ना, जो भी इसको पूरा करेगा, पूरा एवरी डे इसका आपको लिखना है ना, कि 5 बार आज हुआ कि नहीं हुआ, जैसे भी, और डेट वाइज जो भी इसको कंप्लीट करेंगे, उनको प्रॉमिस है कि एक गिफ्ट बोले, अवार्ड बोले, टोली हाँ, सौगात बाबा की तरफ से जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये आज से लेकर 31st तक, दिस इज द होमवर्क। और जो अपना मेंटेन करेगा और दिखाएगा, हाँ डेफिनेटली। तो अब बाबा कहते हैं कि आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ, नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी ना, साथी और साक्षी। तो जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा कहते सभी हो कि बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है, और कहते भी रहते हो कि बाप दादा साथ है, साथ है ना। इसीलिए हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ, कि आत्मा ऐसी है और बाबा तो साथ है ना, ये इन्फॉर्मेशन का यूज तभी है जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, हमें ऐसा ऐसा ना लगने लगे कि बस हम ये बातें रिपीट करते रहेंगे, है ना, बोलते रहेंगे, या हमको पता है कि है ही साथ, तो इसका मतलब अब हमें कुछ करना नहीं है ना। जो इधर ऐसा सोच रहा है ना कि ये तो है ही, आत्मा का ये ट्रुथ है और ये तो ऐसा ही है और कुछ करना ही नहीं है, हाँ, जो यहाँ इस थॉट प्रोसेस से चल रहा है, यही सबसे बड़ी माया है, यही सबसे बड़ी माया है ना। यहाँ पर बाबा
एक एक दिन पढ़ा रहे हैं, डे एंड नाइट पढ़ा रहे हैं, कभी कभार सुबह भी मुरली, शाम को भी मुरली ना। और सारी मुरलियों का सार ये है कि तुमको बनना है, हो ही करके बनना ही नहीं है, करना ही नहीं है, कॉन्शियस प्रैक्टिस है ये ना, ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है। यहाँ पे कॉन्शियसली आत्मा की पावर्स को यूज करना है, अलौकिक शक्तियां हैं आत्मा के पास ना, तो ट्रुथ में आना है। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा साथ है, साथ है ना, हम तो हैं ही साथ। और माया का भी प्रभाव पड़ता रहता है ना, पूरे टाइम माया का प्रभाव पड़ता रहता है। अभी कल बाबा ने क्या बोला, कल बाबा ने कहा एक भी नहीं है जो जीवन मुक्त है, एक भी नहीं है जो जीवन मुक्त है ना, सब जीवन बंध में है ना, और सबके अंदर एक तार आधी तार है ना, है ही है ना, बहुत सारी तारे हैं। तो बाबा ने कहा सेवा को समझने लगते हैं कि ये हमारी प्रारब्ध है ना, और सेवा को प्रारब्ध समझ के सोचते हैं कि सेवा बहुत मिल रही है तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ज्ञान जो है ही करके, आत्मा तो ऐसी है ही करके, माया पूरे तरीके से आत्मा को सुला रखा है कि अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है ना, अब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, पहले तो फिर भी कुछ कर रहे थे, अब तो बिल्कुल ही कुछ करना नहीं है। तो एवरी थिंग इज गोइंग, नॉलेज हम कितनी अच्छी सुन रहे हैं, कौन सुना रहा है उससे मैटर नहीं करता है, अंदर में अगर माया है वो खेल खेलेगी ना, और अंदर में माया डेफिनेटली है ना, माया इज लिसनिंग, माया इज रिस्पॉन्डिंग, तो वो खेल जरूर खेलेगी। और वो सब कुछ उसका खेल बस ये है कि आप करो कुछ मत न? तो पहले उसके अलग तरीके थे ना, ईगो को बढ़ाने के, रावण को बढ़ाने के, अब उसके पास एक नया तरीका मिल गया है कि ये तो नया ज्ञान है, नई प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब अब कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना ही तो नहीं है। अभी पीछे हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा यही तो बात है सिस्टर, कुछ करना ही तो नहीं है ना? तो ऐसा है ना। तो एनीवेज यहाँ पर बाबा डे एंड नाइट यू नो टीचर इज टीचिंग कि आप आत्मा को जागृत होना है, और उसके लिए कल जो बाबा ने कहा कि अटेंशन 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 प्लीज ना, तो कुछ करना ही नहीं है को नहीं बोला जाएगा कि अटेंशन प्लीज हाँ, अगर किसी को कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है, और कहते भी रहते हैं बाप दादा साथ है साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं, साथ कभी ख्याल नहीं होता है, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है ये मानते भी हो ना, और अनुभव भी करते हो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हैं, मानते भी हैं। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता है, सब कहते हैं मेरा मेरे बाबा साथ हैं, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ हैं, हर एक कहता है मेरे साथ हैं। तो मेरा साथी है, मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो। तो इसके लिए ही जैसे बाबा ने कहा कि सब साथ हैं ना, आत्मा बाबा साथ में है, मन से कहो चाहे मुख से कहो हाँ जो भी, लेकिन उस साथ को निरंतर अनुभव करना, ये हुई पढ़ाई है ना, निरंतर अनुभव करना। तो इसके लिए एक तरीका है जो राइटिंग की हमने पिछली बार बात करी थी कि हम बाबा की जो मुरली है ना, कई बार इसको इसका जैसे बाबा हमें मुरली का एक एक चीज बताते हैं, जैसे बाबा ने कुछ कहा कि मतलब दोनों चीजें हम लिखते हैं, एक तो परमात्मा का परमात्मा आत्मा से क्या बोल रहे हैं ना, तो उसको पर्सनलाइज करके कि तुम कहते भी हो है ना, या तुम आत्मा, या जैसे भी करके है ना, आप आत्मा कहते हो कि बाबा साथ है, फिर भी माया का प्रभाव पड़ता है, तो फिर उसके साथ साथ में आत्मा भी ना, इस बात को आत्मा समझ के क्या उसका रिस्पॉन्स है ना, तो वो भी लिखना। तो एक पूरा डायलॉग की तरह, कॉन्वर्जेशन की तरह इसको ऐसा हम करते हैं, कई बार इसको ऐसे करते हैं, और कई बार मुरली कोई सामने नहीं भी है
तब भी जो बाबा के मुरली के जो पॉइंट्स हैं वो तो हर एक को याद रहता ही है, तो उसको भी लिखते हैं ना कि बाबा कह रहे हैं। और ऐसा भी किया है कि एक एक नाम ना आत्मा को एक नाम बाबा ने दिया है ना, तो बाबा के वो नाम किसी को भी पता नहीं है, वो सीक्रेट नेम है। तो जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं ना, तो राइटर्स क्या करते हैं, वो उनका पेन नेम अलग होता है, उनका असली नाम है अशोक हाँ, लेकिन उनका पेन नेम रहेगा राज हाँ, तो पेन दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरा नाम है, और असली नाम वो सीक्रेट नेम होता है, वो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ही ये दुनिया को दिखाने का एक नाम है, वो जो भी कह लें पाठ का नाम है, लेकिन एक नाम है जो सिर्फ बाबा को पता है। तो बाबा को जो नाम पता है, तो हम आत्मा और बाबा वैसे ही बात करते हैं ना, कि बाबा उससे बात कर रहे हैं। और इवन जब हम ड्रिल करते हैं, तो हम ये क्लियरली अंदर में ये अवेयरनेस रखते हैं कि अनन्या इज नॉट गोइंग, अगर आत्मा का नाम है ना सीक्रेट नेम, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आत्मा का नाम रखा है सीमा ना, तो सीमा जा रही है, अनन्या यहाँ बैठी है, सीमा जा रही है, तो वो एकदम क्लियर अंदर में रहता है कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, और उस पॉइंट ऑफ लाइट का एक नाम, एक साधारण नाम ना, कोई बहुत बड़ा स्वमानों वाला ज्ञान युक्त नहीं, नॉर्मल ना, नॉर्मल रखने से ही फिर वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्शन। तो जब भी बाबा से लिखते लिखने का जो प्रैक्टिस को यूज करते हैं, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए जब भी राइटिंग को यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा करते हैं कि बाबा कह रहे हैं ना, सीमा से बात कर रहे हैं, फिर आत्मा रिप्लाई कर रही है ना, तो इस तरीके से ये एक तरीका है। बाकी इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस पे आंसर बेटर होता है ना, कभी कभार हम खुद उतना नहीं सोचा होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उस पे आंसर हो सकता है। बाकी हमारे लिए तो राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कहें या हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए राइटिंग एक अच्छा टूल है, स्पेशली फॉर दिस फॉर दिस पार्ट, कि यहाँ पे हम कितनी सारी मतलब आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम दिन में 6 डायरीज रहती हैं, एक उसके लिए एक उसके लिए, और एक छोटी सी हमेशा साथ में रहती है ना, वो हमेशा साथ में रहती है, वो कहीं पर भी मतलब उसको निकाल के वी कैन एक्सेस ना। और कई बार जब मन में कुछ किसी तरीके के तूफान है ना, या प्रभाव है, वो स्पाइरल हो रहा है ना, वो थॉट पैटर्न्स किसी तरीके के ट्रिगर हो रहे हैं, तो तब जब हम लिखते हैं जस्ट ट्रुथ ना, बाबा से जस्ट ट्रू कंपेनियंस, दोनों सच्चे साथी बैठ के सच एक दूसरे से सच की बात कर रहे हैं, कुछ स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं, सच एक दूसरे को बता रहे हैं ना, बाबा मुझे आत्मा को सच बता रहे हैं, और मैं आत्मा फिर ना वो सच दोबारा से बाबा को बता रहे हैं, तो उस तरीके से ही फिर जब हम करते हैं, तो किसी भी तरीके के थॉट्स जो स्पाइरल हो रहे हैं, जो बहुत किसी और बात को सीरियस बना रहे हैं, तो वो नहीं होता है फिर ना। और इसके अलावा एक कोई क्वेश्चन आया है क्या? अच्छा क्वेश्चन ही ले लेते, क्या खुद को आत्मा समझ बाबा को परम धाम बार बार याद करना, क्या इसमें प्योर ज्ञान का सार नहीं आता? खुद को आत्मा समझकर बाबा को परम धाम में बार बार याद करना, हाँ यही प्योर ज्ञान का सार है, या ये प्योर योग है ना, यथार्थ योग है, या अच्छा पूरा ज्ञान का सार नहीं आता, क्या इसमें पूरा ज्ञान का सार नहीं आता? नहीं, यही पूरा ज्ञान का सार है देखिए, जहां पे अभी एक टाइम था बीच में कि बाबा को हमें यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है ना, बाबा को यहाँ पे लाके यूज करना है, कहानी में लेकर आना है और यूज करना है, तो उसकी बहुत प्राप्तियां हुई, और उस समय सेवा का पार्ट ऐसा था विस्तार करने का, तो बाबा को यहाँ लाना है, वो सब किया, लेकिन ये भी अंदर में यही थिंकिंग है कि ये दुनिया इंपॉर्टेंट दुनिया है, तब
तभी बाबा को यहाँ लेकर आओ, यहाँ पे साथी बनाओ, ये दुनिया इंपॉर्टेंट दुनिया है। अब बाबा कह रहे हैं समय के हिसाब से पढ़ाई चेंज होती है, एग्जाम कितना नजदीक है उस हिसाब से आपका जो पॉइंट्स हैं, आपका पढ़ने का तरीका चेंज होता है। तो अब जिस तरीके से समय चल रहा है, बाबा डजंट से कि ये दुनिया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ मुझे बुलाओ, ये करो, तुम इस दुनिया के हो ही नहीं, तुम मेरे साथ रहो, कहानी को नीचे चलने दो, तुम आत्मा मेरे साथ रहो, तो मेरे साथ मतलब परम धाम में रहो। सो अब ये टाइम नहीं है कि हम बाबा को यहाँ पे खींचते रहें, अब ये टाइम है कि हम बाबा के साथ ही वहां पर हैं, और वो है ही करके छोड़ नहीं देना है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है कि कैसे हम एक इंफॉर्मेशन को बस हाँ ये तो है ही करके, अरे एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे हैं ना। हाउ डज इट मैटर, इंफॉर्मेशन मिल गई है, हाउ डज इट मैटर ना, आत्मा और बाबा साथ में है। हाँ तो अनुभव करने का तो नहीं हो रहा है ना, अनुभव तो नहीं हो रहा है, पूरे दिन स्टोरी में है, तो हाउ डज दैट इंफॉर्मेशन मेक एनी डिफरेंस इन इन माई क्वालिटी ऑफ लाइफ? नो डिफरेंस, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, और इसको भी माया ही पूरा यूज कर रही है। कैसे ये दिखता नहीं है खुद से वो नहीं समझ आता है, लेकिन ये दिखना चाहिए कि पहले तो फिर भी कुछ करेंगे, अब तो बस है ही करके छोड़ दिया है। हाँ तो एनीवेज उसका निरंतर अनुभव करना मतलब कर्मातीत अवस्था को का पास में बुलाना है ना, कि आत्मा अब परम धाम में है, और प्योरली उसको स्टोरी का कोई संकल्प नहीं है, कहानी से उसका कोई भी थॉट नहीं है। इसमें निरंतर कैसे टिक सकते हैं जब सीन से कुछ संकल्प भी चलते हैं, खुद के संस्कार कर्म याद आते हैं, नीचे के काम भी याद आते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, है ना। हाँ हाईएस्ट नॉलेज के बाद वाली माया, हाँ वो, और वो हाईएस्ट माया, वो और भी हाईएस्ट माया है, तो हाँ ये प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। जैसे रुबीना बहन कह रहे हैं कि हम निरंतर नहीं टिक पाते, एग्जैक्टली, तो इसलिए ये आत्मा बाबा ऐसे है ही साथ करके यू सी पता होने के बाद भी हम निरंतर क्या, हम 2 मिनट भी पूरा फुल कहानी को छोड़ के नहीं रह पा रहे हैं। तो जब हम 5 बार दिन में 2-2 मिनट करेंगे, वहां से हमें आत्मा की असलियत दिखाई देती है कि कितना माया की तरफ है और कितना बाबा की तरफ है। इसीलिए हमने कहा कि दिन में 5 बार इसको करना है। जब आप करेंगे ना 2-2 मिनट 5 बार, तब आपको समझ आएगा कि अभी तो कितना पानी में है और कितना पानी के बाहर है। हाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा कि फॉर इवन 2 मिनट्स, 5 5 बार के लिए। हाँ उसमें भी हम देखते हैं रेजिस्टेंस आता है ना, ऑपोजिशन फोर्स आता है। तो जब हम ये 5 बार सक्सेसफुली करेंगे 2-2 मिनट के लिए, तब जाके फिर हम उसको और बढ़ाएंगे, और फिर है नेचुरली कि वो निरंतर होने की तरफ। और एक्चुअली वो 5 बार में पावर इतनी होती है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी नई नई पहचानें नहीं बनती हैं, तो इसलिए उसमें पावर रहती है। बाबा साथ है, ऐसा कोई नशा नहीं रहेगा, सोल कितना साथ है इससे नशा होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा, एट प्रेजेंट आई एम लिविंग लाइफ जस्ट टू क्रॉस द नेक्स्ट आवर एंड द डे समहाउ, जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू द डे, फील्स आई एम स्ट्रेचिंग माई सेल्फ, फील एज इफ आई एम होल्डिंग 100 किलोज वेट एंड देन ट्राइंग टू लिव, दिस इज वॉट आई हैव बीन राइटिंग इन माई डायरी। इट इज़ गुड कि जब हम बहुत ज़्यादा ये माया ने घर कर लिया है, तो वो वंस वंस एंड फॉर ऑल बाबा को लिखा एंड दिस इज डन, है ना। लेकिन हम बाबा से स्टोरी के इमोशंस और कहानी की जो बातें हैं उसको अगर हम लिखते हैं ना, तो लिखना एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लिखना एक बहुत पावरफुल टूल है जिसमें हमारी सारी कर्म इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो सबकॉन्शियस में स्ट्रांगली बैठ जाता है। तो अगर हम ये बार बार लिखेंगे कि आई एम जस्ट पासिंग थ्रू द डे, विच इज रियल रियल लग रहा है वो, लेकिन बार बार लिखने से वो पूरा सबकॉन्शियसली वो और स्ट्रांग होने लगता है ना। तो पहली बात है बाबा से कहानी के रिलेटेड जो है, कहानी से रिलेटेड और कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं लिखना है ना, कैरेक्टर या लिखना ही है तो ऐसे लिखना है कि बाबा ये कैरेक्टर जो है तनु ये फील कर रही है, बट सोल का बाबा आई नो, लेकिन अभी मुझे उससे निकलने की पावर के लिए बाबा आप क्या कहेंगे,
तो बाबा बहुत प्यार से बताएंगे कि बच्ची तुम जिसके इमोशंस में फंस रहे हो, तुम आत्मा जहाँ पे जिन कहानी में को रियल समझ रहे हो, वो तो अभी गायब होगी, वो तो अभी डिसअपियर होगी ना। और तुमने पहले भी ऐसी कहानियों में आए थे, पहले भी तुमने कहानी से अटैच होके ऐसा फील किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तुम्हारा जो घर है और तुम्हारा जो ब्यूटी है वो इसके बिल्कुल बियॉन्ड है। तो इस तरीके से हम आत्मा और बाबा बात कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर कॉन्शियसनेस ऐसे ऐसे अभी प्ले हो रही है ना। उसकी भी डिटेल्स में नहीं जाना है, कभी भी उसकी डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे फिर वो पूरा दूसरा काम होने लगता है। हाँ, मतलब स्टोरी को हर पल बस भूले रहें, ये चल रही है। हाँ, स्टोरी को भूले रहें। देखिए, हम अपने को ना अंधेरे क्या बोले एक इल्यूजन में नहीं रख रहे हैं कि कोई ड्रामा ही नहीं है, कोई कहानी ही नहीं चल रही है, ये वो, है ना। वी आर नॉट यहाँ पे बुद्धू नहीं बन रहे हैं हम, है ना। तो हमको पूरी समझ है कि कहानी चल रही है, और हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कोई कहानी नहीं है, हम तो बस परमधाम है और बस आत्मा बाबा है, ऐसा नहीं है। एक कहानी भी चल रही है और एक ये भी दुनिया है ना। और हम कभी कभी ही इस दुनिया में, अपनी असली दुनिया में आते हैं, पूरे दिन हम कहानी में रहते हैं, और यहाँ पे आके बस हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बाकी आत्मा बहुत डीपली इन्वेस्टेड है इस कहानी में। तो वी ये सब को हम समझ रहे हैं, इसको हम जान रहे हैं, समझ नहीं रहे, वी आर अवेयर कि ऐसा है, अभी ऐसा है ना। कोई कह दे कि नहीं ये तो कहानी कुछ है ही नहीं, और हम बस ऐसा ऐसा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। माया उसमें काफी स्ट्रांग अभी स्ट्रांगली है, क्योंकि अभी आत्मा उन्हीं आइडेंटिटीज से ही अटैच होके पुरुषार्थ कर रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वी नो कि ये स्टोरी चल रही है, बस एसेंस हमें साथ में रखना है, ज्ञानी आत्मा बोले या जागृत आत्मा, मतलब एसेंस साथ में है कि हाँ एक कहानी चल रही है, कहानी में अलग अलग तरीके के एपिसोड्स हैं, प्लॉट्स हैं, और ये कहानी कुछ चंद मिनटों की है और खत्म हो जाएगी। ये एसेंस अपने साथ, ये जितना हम जग रहे हैं तो ये एसेंस सामने रहेगा। तो हम इस कहानी में बाबा को साथ रखने के लिए नहीं आएंगे, कहानी चल रही है और इस चलती हुई कहानी से मैं जीतती कैसे रहूं, एवरी सेकेंड मेरा स्कोर बढ़ता रहे, मतलब जस्ट खेलने के लिए, खेलने के लिए भी नहीं, जीतने के लिए। आत्मा तो पूरी जागृत है ना, और फिर अब वो जो कहानी में आ रही है, बस टू विन, कैसे हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक सीन में ना सेवा करके पॉइंट्स पे पॉइंट्स जमा, और फिर इसको बाबा कहते हैं कि सेकंड सेकंड में पदम की कमाई ना, वहां तक पहुंचने के लिए बस इस एसेंस को साथ में रखना है कि इट इज अ स्टोरी और ये खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये इसको साथ में रखना है। अच्छा, इस प्रोसेस में चेक एंड चेंज की जरूरत नहीं होगी क्या? अभी पीछे हम एक जगह पे डिस्कस कर रहे थे चेक एंड चेंज, तो एक बहन ने कहा कि चेक एंड चेंज नहीं है, चेक एंड जंप है। चेक किया और वहां से जंप, जस्ट जंप, अपने ट्रूथ में आ जाइए, जंप करके, चेंज नहीं करना है हमें, छोटा छोटा चेंजेस नहीं, जस्ट जंप। आ गए हम अपने घर में, कहानी को छोड़ दिया, कहानी से पूरी छलांग मार के आ गए ना, इसी को कहते हैं गैलप करना। अच्छा, इट्स लाइक द एड्रेस टू माई फिजिकल होम इज माई कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट नॉलेज। खुशी विल नेवर गो टू द रॉन्ग हाउस थिंकिंग इट इज माई होम। सिमिलरली वी आर ऑल सोल्स, वेन दिस पीस ऑफ नॉलेज बिकम्स आर नेचुरल कॉन्शियसनेस, द वर्ल्ड विल ट्रांसफॉर्म एंड सत्ययुग विल कम, सिंस आर वाइब्रेशन विल ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। या राइट। अच्छा, एक बार रंजू बेन ने लिखा है कि एक बार फिर बता दीजिए क्या करना है, किस में बताना है, डायरी में। हाँ, अभी किसी का कमेंट आया है कि किसी ने उनको कहा है सेंटर पे कि यू आर नॉट योगी, इसलिए सेवा निकाल ली, इसलिए सेवा निकाल ली, बट दिस सोल इज लीस्ट बॉदर्ड। हाँ, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। स्टोरी का लिखें तो सबकी एक एक फिक्शन
बुक बन जाएगी। हाँ, इसी को बाबा कहते हैं ना कि राम कथा तुम्हारी सबकी, राम कथाएं मेरे पास है ना, तो राम कथा मत लिखो। तो ऑफ कोर्स वो स्टोरी को ही डीपली नहीं करना है ना, लेकिन बाबा ये स्टोरी मुझे पता है, स्टोरी है, उसके बाद भी आई एम गोइंग इन टू दिस, है ना, नॉलेज युक्त, हम बाबा से नॉलेज युक्त नहीं, जो रियल है उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रामा को भूलकर इनविजिबल एक्टर बन लाल प्रकाश की दुनिया में परम धाम में स्वयं को बाबा के साथ फील करना है ना, फॉर 1 to 1 to 5 minutes डेली, बाबा को साथ रखकर यहाँ में आना है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ दीपक भाई, ऑन राइट ट्रैक। या इनिशियली स्टोरी से आउट रहने के लिए थोड़ा ड्रामा भी कर लें तो नुकसान नहीं। चंदा बहन ने ऐसा लिखा है, चंदा बहन बाद में समझाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रामा, बट ओके। व्हाट टू डू व्हेन यू आर अनसेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, आई फील आई एम ट्राइंग टू क्लोज चेंज द सर्कमस्टेंसेस आई एम इन ऑल द टाइम, एंड व्हेन वी कांट डू दैट वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, दिस लीड्स टू अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो शुड आई एक्सेप्ट, जस्ट एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर, और ट्राई टू चेंज थिंग्स एंड चेंज दिस एंड थिंग्स, दिस इज अ बिट इज अ कंटिन्यूस बैटल। ओके, एक मिनट, आई एम जस्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये जब हम रियली में काम कर रहे हैं तो ईगो जो है बहुत तरीके से मरने लगता है, तो फिर ये सब चीजें आती हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से हम समझ लेंगे मिलकर, तो फिर यहाँ पे क्लास में दोबारा ले लेंगे ना। अच्छा, किसी ने लिखा है कि कांट वी स्टे देयर इन बीज रूप, हाँ बीज रूप में ही है हम, परम धाम में तो बीज रूप के अलावा नहीं जा सकते ना, बीज रूप मतलब कि नो स्टोरी, पेड़ नहीं है साथ में, एक पत्ता भी नहीं है ना, बीज गया है, हाँ तो एक भी पत्ता नहीं, एक भी पेड़ नहीं, कुछ भी लेके नहीं गया है बीज ना, तो स्टोरी को ड्रॉप करके जब आत्मा जा रही है तो बीज रूप है। अच्छा, डायरी में सोल का लिखना है ना, स्टोरी की हैपनिंग्स का, हाँ, स्टोरी की हैपनिंग्स एज इट इज नहीं। स्टोरी की हैपनिंग्स हम ऐसे अगर लिखना ही है तो हमें पता है कि वो फिक्शनल स्टोरी है और फिक्शनल स्टोरी में ऐसा हो रहा है। अच्छा, मेडिटेशन कमेंट्रीज फॉर अमृत वेला, ओके, डालने का किसी ने कहा है, ओके, देखो भी क्लास, संडे, हाँ इस संडे पे क्लास है शायद, अभी कंफर्मेशन आया है नहीं आया है, बट इस संडे को हमने कुछ किया था शेड्यूल, अभी वी डोंट नो कि वो होगी कि नहीं। ठीक है, तो आगे का कर लेते हैं, कि बाप दादा ने पहले भी सुनाया है साथी और साक्षी, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता है, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है। अच्छा, ये लाइंस तो हो गई, तो बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप दादा खेल देते हैं, खेल देखते हैं, कि साथ में कौन है, सॉरी, बाप दादा खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है ना, तो बाबा जान रहे हैं ना कि मैं साथ में बैठा हूं, है ना, और हम भी जान रहे हैं ना कि बाबा साथ में है, लेकिन हमारा सारा जो अटैचमेंट्स वो कहीं और है, तो उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि देखते नहीं है कि साथ में कौन है ना, मस्त हो जाते हैं उधर, कहानी में मस्त हो जाते हैं, पता है लेकिन फिर भी कहानी में मस्त है, तो इसी यही दिखाता है कि किसको पता है, कहानी में फिर भी मस्त हो रहा है तो पता किसको है, सोल कॉन्शियसली अवेकन नहीं है वो, अभी उसको किसी किसी आइडेंटिटीज को, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, इसको ज्ञान हुआ है ना,
तो इसीलिए मस्त तब भी उधर ही होंगे ऐसा। तो बाप भी क्या करते हैं, बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ। किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। आप लोग प्रजा हैं क्या, प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो, राजा बनने वाले हो। तो प्रजा बनाने वाले हो तो राजा कहाँ बैठता है, तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। तो इवन जब कहा लिखने की बात आई, अपने अंदर में संकल्पों की बात आई, तो साक्षीपन की सीट छोड़ो नहीं। मतलब इससे हट के नहीं बात करनी है कि ये अल्टीमेटली जो चल रहा है ये कहानी चल रही है और ये खत्म होनी है। वो एसेंस साथ में है तो साक्षी है ना, वो एसेंस साथ में रहेगा। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं, जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो, है ना। अलग अलग पुरुषार्थ करना, सारे जो देखिए रास्ते हैं वो क्यों है कि आत्मा को ये पूरा जो ड्रामा है वो आंखों से दिखते हुए भी होता हुआ भी सामने वो है नहीं, है ना, वो है ही नहीं। क्योंकि जैसे बाबा के लिए रोल बाबा पूरा प्ले करते हैं टीचर का, है ना, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन कदम कदम पे उनको पता है कि सब कुछ स्क्रिप्ट अनुसार होगा, सब कुछ ड्रामा के अनुसार होगा। यहाँ पे मैं भगवान आ गया हूं तो मेरी शक्ति से मैं एक एक को जगा दूं इसकी बात नहीं है। मैं बेस्ट टीचर का रोल है ना प्ले करता हूँ, लेकिन फिर भी सब स्क्रिप्ट अनुसार होता है। तो ये जो बैलेंस है कि सो रोल में पूरी जान डाली है और उसके बाद भी पता है कि चल रही है कहानी, है ना, अल्टीमेटली कहानी ही चल रही है। तो इसको कहते हैं तख्त को नहीं छोड़ना ना। तो अब हर पुरुषार्थ जो है वो इसके लिए ही बना है कि आत्मा कंप्लीट जागृत हो, आत्मा कंप्लीट जागृत हो ना। तो अलग अलग तरीके के पुरुषार्थ हैं ना, स्वमान लेना, स्वमान को याद रखना, तो धीरे धीरे आत्मा की जागृति आएगी कि ये मेरा रियल सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। और स्वमान का मतलब ही है कि ड्रामा के आधार पर नहीं है, स्वमान कभी भी ड्रामा के आधार पर नहीं हो सकता ना। जो स्वमान ड्रामा के आधार पर है वो अलग है। तो इसलिए इसलिए धीरे धीरे हमको इस पे ध्यान रखना है कि अलग अलग तरीके के पुरुषार्थ हैं, है ना, कंप्लीट आत्मा को जागृति में लाने के लिए। तो और है कि और क्या बोल सकते हैं पुरुषार्थ, जैसे स्वमान लेना हो गया, उसके साथ साथ जैसे कंबाइंड स्वरूप है ना, ये एक प्रैक्टिस का मेथड है। हाँ, कि मैं और आत्मा पूरे ड्रामा में आ रहे हैं फिर भी कंबाइंड है, ताकि यहाँ पे रहते हुए ड्रामा का कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई यहाँ से इसके ऊपर इसका कोई लेपछेप नहीं लगे। तो ये एक रेजिस्टेंस है ना, कि स्लिप हो सकते हैं, हम स्लिप हो जाते हैं, तो उसके उस स्लिपरीनेस से बचने के लिए ये एक तरीका है ना। जैसे स्वमान एक तरीका है तो कंबाइंड स्वरूप है, इसके साथ साथ और भी है ना, और भी तरीके के पुरुषार्थ, अभी याद कैसे नहीं आ रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस हैं ना। तो लेकिन हम जो ड्रिल करते हैं ना, हम जब ड्रिल करते हैं तो इट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन जब हम ड्रिल के एक्सपीरियंस में आते हैं कि ये मेरा असली घर है, तो ये वन ऑफ द मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं है ना, ये वन ऑफ ये एक तरीका नहीं है। ये हमने आत्मा को, बीज को वातावरण दिया है, उसको उसका साथी दिया है, असली दुनिया उसकी दी है। तो इससे आत्मा नेचुरली जागृत है ना। तो इसको करते करते इट इज नॉट अ प्रैक्टिस, लाइट जलने लगी है ना, आत्मा को वो वातावरण बार बार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है और परफेक्टली मिल रहा है। इसलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरे दिन तो है ना साथ में,
ऐसा बोल देने से क्या होता है ना, पूरा मिलावट हो गई उसमें। नहीं, आप 2 मिनट कंप्लीटली लाइट को जलाइए कि हम अपने घर में हैं, बाबा के साथ हैं, और कहानी का एक भी पत्ता यहाँ पर आया नहीं है, वो सब मेरे लिए जीरो जीरो वैल्यू, वर्थ नॉट अ पेनी ना। तो ऐसा करते करते, यथार्थ रीति से करते करते लाइट जलती है ना। और जहां लाइट जलने लगी, फिर ये कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस, कोई एक हम कभी इधर स्विच हो कभी उधर स्विच हो, ये बात नहीं है ना। अब आत्मा को अनुभव है कि ये असली दुनिया है, ये यहाँ पे एक कार्टून शो चल रहा है। कहाँ से कार्टून शो की कोई बात हमें असली लग रही है, लगेगी नहीं ना। तो उसमें सारा पुरुषार्थ का जो रिजल्ट है कि चलन रॉयल हो, है ना, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये सारा जो रिजल्ट्स हैं पुरुषार्थ के, वो सब जैसे हमने बीज को, बीज जागृत हो गया, बीज होश में आ गया, तो सारे रिजल्ट्स दिखेंगे ना, सारे रिजल्ट्स अपने आप होंगे। तो अलग अलग जो पुरुषार्थ करते हैं कि अभी 1 महीने के लिए हम इधर ध्यान दें, 1 महीने के लिए उस संस्कार पे, तो ये सब नहीं करना होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अलग अलग जब तुम पुरुषार्थ करते हो, इसमें थक जाते हो, आज मनसा का किया, फिर कल वाचा का किया, फिर संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो, एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। एक ही पुरुषार्थ करो कि आत्मा जितना बाबा के साथ है, एक्यूरेटली उस अनुभव में आती है यथार्थ रीति से कि ये मेरी असली दुनिया है, तो यहाँ पर आके भी करना नहीं पड़ेगा उसको, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। है ही साक्षी ना, जब अनुभव की बात हो गई ना, तो ऐसा हम पुरुषार्थ करें जिससे अनुभव बढ़े। क्योंकि अनुभव बढ़ने से क्या है, ये जो बातें हमें होता है कि ये पुरुषार्थ करना है, साक्षी होना है, होना नहीं है, वो नेचुरल, जब जग गई लाइट, जल गई, तो पता ही है कि ये अंधेरा अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। तो हमें इसीलिए इजी क्यों कहा, इजी इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ बीज पे काम करना है ना। 10 एम लेके नहीं चलना है यहाँ पर, चलना है तो चल सकते हैं, लेकिन 10 एम लेके चलना का ये, यहाँ पे इन क्लासेस में ये बात नहीं हो रही है। इधर एक ही बात हो रही है, बीज को होश में लाना ना। बीज क्योंकि एक बार होश में आ गया, वो जैसे जैसे जागृत होने लगा, फिर वो सब कुछ जो ये करो वो करो, वो सब कुछ वो है। हाँ, बाबा डजन इंटरफेयर इन ड्रामा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि डेट जो मुरली की है वो है 23/2/1997 ना। तो अलग अलग पुरुषार्थ करने में थकते हो, एक ही पुरुषार्थ करो, है ना। खुशनुमा तख्त नशीन रहना है, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। तो खुशनुमा तख्त नशीन का मतलब मेरी कोई भी खुशी, मेरा कोई भी ब्लिस, रिस्पेक्ट, कुछ भी ड्रामा के आधार पे नहीं है ना। ये है खुशनुमा तख्त नशीन। तो ये तख्त कभी नहीं छोड़ना है। तो हम यहाँ पे पूरा ड्रामा को ही जीरो कर रहे हैं ना, उसके रेजिस्टेंस से बचने के लिए कुछ करते रहे, ऐसा नहीं है। आज ये प्रैक्टिस करी कि कहानी में ना आने के लिए, आज वो प्रैक्टिस करी कि कहानी की बातें ना आए। एक चीज करनी है कि आत्मा को होश में लाना है, उसको होश का जो उसका इंजेक्शन है वो सिर्फ घर है, और घर में जो उसका साथी है, और जो घर का परिवार है, आत्माओं का जो परिवार है, वो इंजेक्शन उसको मिलेगा ना, वो इंजेक्शन मिलेगा, तो उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ही स्टोरी ना। तो कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठे, बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा, कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना, वो राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है, सोते भी तख्त नशीन ना, उठते चलते बैठते भी, संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन ना। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती,
तो साक्षीपन के तख्त नशीन मतलब रियल दुनिया, असली संसार, असली साथी का अनुभव है। तो उसके बाद ये कहानी की कोई समस्या से हिल नहीं सकते ना, वो क्योंकि असली का अनुभव है तो आर्टिफिशियल चीज से हिल नहीं रहेगी ना, इसको कहा साक्षीपन। अच्छा, कोई कह रहा है कि व्हेन एंड हाउ विल रोल ओपन, मींस दिस पार्ट, दिस रोल हैज मेनी स्पेशलिटीज गिवन बाय बाबा, बट ड्यू टू जेलसी एंड अदर शॉर्ट कमिंग्स दे डोंट इनकरेज दिस रोल। एज अ सोल आई अंडरस्टैंड इट्स अ स्टोरी, बट समटाइम्स आई फील सैड, हाउ टू नो व्हाट्स माई पार्ट। तो ये पार्ट कैसे खुलेगा? पार्ट तो हर सेकेंड खुला ही हुआ है ना, हर सेकेंड जो बज रहा है वो क्या है, पार्ट ही है। तो पार्ट को खोलना नहीं है, पार्ट खुला ही हुआ है। अब उसमें से जिस तरीके का हम पार्ट चाह रहे हैं खुले, वो हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, एवरी सेकेंड पार्ट ही प्ले हो रहा है, पार्ट खुला हुआ है। तो उसमें किस तरीके का पार्ट प्ले हो, जैसा भी, तो वो होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेन पार्ट खुल भी जाए उसके बाद भी हमने अपने अंदर में ईगो को खत्म नहीं किया है, तो वो खुलने के बाद, जिसको हम खुलना कह रहे हैं, वैसे तो पार्ट खुला ही हुआ है, वो एक एक सेकेंड पार्ट ही प्ले हो रहा है, लेकिन मान लीजिए हम, हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, बहुत हम सेवा कर पाए, खुल के कर पाए, जो भी, वो सब होने के बाद भी अगर अंदर में ईगो की का बहुत बड़ा हेड है ना, तो उसकी आदत है उससे पहचान बनाना, उससे पहचान बना के फिर कहीं और डार्कनेस क्रिएट करना। तो अल्टीमेटली पार्ट खुले नहीं खुले, काम हमें एक करना है कि यहाँ पर अंदर में ड्रामा बेस्ड चीजों से, ड्रामा बेस्ड चीजों के आधार पे अपनी वैल्यू चेक करना, अपना वर्थ चेक करना, ये बंद करना है ना, ये ईगो है, ये सबसे बड़ा ईगो है। कि ड्रामा बेस्ड चीजों में, जो कल बाबा ने कहा कि ना सेवा है, स्टूडेंट्स बहुत हैं, ये है वो है, तो प्रारब्ध है ये, तो बाबा ने कहा ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है ना, बाहर में ड्रामा में जो हो रहा है वो तो लिफ्ट है, वो लिफ्ट को लेकर पहुंचना कहाँ है ना, वहां पे मेन हमारे नंबर, हमारा जो बाबा के साथ का जो पढ़ाई का जो रिजल्ट देना है, वो सिर्फ इस एक बात पे है कि हम जीवन मुक्त, जीवन मुक्त की स्थिति में आए कि नहीं। सब कुछ हो, पार्ट खुल जाए, जैसा भी खुल जाए, बहुत ग्रेट हो जाए, उसके बाद भी ये नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ईगो कैसे खत्म करें, वो ड्रिल से है ना, ड्रिल से ही ईगो खत्म होगा, जो कहा, और ड्रिल का मतलब है कि अनुभव में आने से। हाँ, अच्छा पार्ट होगा तो वो भी, हाँ मैं नहीं हूँ, पहले ईगो माइंड को डरा डरा के स्वमान लेते थे, तुम ये हो, तुम ये हो, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे है कि स्वमान का समझाएं प्लीज, बिकॉज वी आर टोल्ड नॉट टू फील पॉजिटिव और वेस्ट नहीं, स्वमान का कुछ समझाना नहीं है, आत्मा जो स्वमान में है ना, तो स्वमान का मतलब है कि ड्रामा के बेस पे कोई मान नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए ये अनुभव में आना जरूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब पूरी दुनिया एक तरीके से चल रही है और अगर हम कुछ अलग सोच रखने की कोशिश करते हैं, तो सब ये जताते हैं कि तुम गलत हो, कहते हैं कि ये लाइफ जीने का तरीका नहीं है, इतना सीरियस होके लाइफ को समझने मत बैठो, है ना, बस जियो। इज इट राइट टू सम एक्सटेंट? नो, नॉट एट ऑल राइट। इसीलिए अभी जो ये लिरिकल मिस्ट्रीज का चल रहा है ना, तो इसमें जो लास्ट डे है, 7th डे है, वो सिर्फ इसी टॉपिक पे है, सिर्फ इसी टॉपिक पे है। हम बात करेंगे कि यहाँ पर दो ब्रीड्स हैं ना, और दो ब्रीड हैं बहुत अलग हैं, सोल्स तो सब एक जैसी हैं, लेकिन ड्रामा में है ना बहुत ही डिफरेंट दो ब्रीड है ना, और मेजॉरिटी 95 से भी ज्यादा, 95 भी नहीं कहेंगे, 95 से बहुत ज्यादा, 98 कह सकते हैं, वो एक ब्रीड है ना, और 2% है वो अलग है। तो 2% में कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं है कि बीके हैं तो अलग है,
ये कर रहे हैं तो अलग है। नो, वी विल सी कि सिर्फ 2% है अलग है, और वो कैसे अलग है और क्यों अलग है। और अगर वो जानते हैं कि हम अलग हैं तो उनको 98% से सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है ना। हम बहुत लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं सेंटर पे कोर्स करते हैं, और फिर दे स्टार्ट शेयरिंग देयर फीलिंग्स, तो कहते हैं कि मैं तो बहुत रेयर हूँ ना, हमेशा से मुझे लगा कि मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत रेयर हूँ ना। बट अलग हूँ, रेयर हूँ, लगा है, अभी भी लगता है, उसके बाद भी सारा वैलिडेशन लेना है उन्हीं लोगों से जो लगते हैं कि उनसे हम अलग हैं। सारा वैलिडेशन, सारी एक्सेप्टेंस चाहिए उधर से ही, जो बिल्कुल हमें पता है कि हम अलग हैं, तो उसको फर्म करने के लिए वो लास्ट वाला रहेगा। और इससे रिलेटेड जो आपने भेजा है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होंगे लोगों से रिलेटेड, तो प्लीज शेयर, है ना, आज आज भी करिए शेयर सब लोग ना, क्योंकि वो हम ले सकते हैं उसमें। ड्रामा मीन्स कि इनर कॉन्वर्सेशन में खुद से बोले कि ये सब हाँ, ये सब ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं इन सोल्स को ऊपर देख के आई हूँ, सब आनंद में है, खुश है, यहाँ देखो दुखी होने की एक्सेट्रा की, हाँ नाटक कर रहे हैं, अंदर में संकल्प नहीं चलेंगे जी। हाँ जी, हाँ एक्चुअली यही सॉन्ग है ना, मैंने बोला नहीं है बट यही सॉन्ग है जो यहाँ मेंशन हो चुका है। अच्छा, ये जो पीयू वाली मुरली है, लीजिए, ये मुरली मुझे कहीं मिली नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आप प्लीज भेज दीजिए, तो वी कैन टेक इट, बट ये मुरली हमारे पास है नहीं, मुझे कहीं मिले नहीं तो ठीक है, जस्ट कुछ लाइंस बची हैं यहाँ से पढ़ के। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती, समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे, समस्या आपके लिए सर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर से तख्त से उतर रहे हैं, जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे, तो यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे, तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे, संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे, तो रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। और रॉयल्टी का मतलब क्या है, रॉयल्टी मीन्स कि ओनली रियल थिंग मैटर्स फॉर मी, उसके अलावा कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है ना, जो ट्रूथ है, जो असलियत है, वो मैटर करती है, उसके अलावा कुछ नहीं ना। रॉयल्टी को कैरेक्टर के लेवल पे जो हमारी समझ है ना, कि ऐसे वैसे रॉयल्टी हर एक जो गुण बाबा बता रहे हैं वो सतो प्रधानता में, उसका डिफरेंस अलग है, और हम जो उसको रजो प्रधान, ईगो जो उसको तमो की दृष्टि से देखता है, तो अलग मतलब होता है ना, गंभीरता का अलग होगा, रॉयल्टी का अलग होगा, सबका अलग होगा ना। बट जो सतो प्रधान, जो उसका रियल जो मीनिंग है या रियल जो अनुभव है, वो बाबा की नजर में बिल्कुल अलग होता है, तो रॉयल्टी ना के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक, इसीलिए आज जो हमने ड्रिल का ये होमवर्क लिया है, अचानक है ना, ये डिसअपियर होगा, सब कुछ डिसअपियर होगा, अचानक होगा ना, ये बार बार अगर हमने 5 बार किया ना, तो देन इट इज हम रेडी हैं ना, ये सोल रेडी रहेगी अचानक के लिए। अच्छा, अबाउट पीहू, ओके, आप भेजिएगा मुरली, है ना, मिले अगर। फॉल्स और ट्रू के ऊपर जो सहेली बहन क्वेश्चन पूछ रही है, फॉल्स और ट्रू,
हाँ, इट इज डेफिनेटली फॉल्स. जो थॉट्स अंदर में आ रहे हैं वो डेफिनेटली माया के हैं, और डेफिनेटली वो ट्रुथ के बेसिस पे नहीं है ना. दे आर फॉल्स, फॉल्सहुड के बेसिस पर है. हाँ, आज किसकर मुरली में रॉयल्टी की डेफिनेशन आज के साकार मुरली में रॉयल्टी की डेफिनेशन है उनके. हाँ, पीओ की मुरली नहीं है. ओके, तो ठीक है, फिर हम ये आगे कंटिन्यू करते हैं ये मुरली, और आगे लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा, कुछ है अदरवाइज? चलते हैं, फिर परसों मिलेंगे. हाउ टू स्टडी मुरली, एक क्लास हो स्पेशली. ओके, हाउ टू स्टडी मुरली. मेरा ट्रुथ क्या है? मेरा ट्रुथ, जितनी भी मुरलीज की क्लासेस है ना, अगर आप ग्रुप में हैं तो सारी क्लासेस में ट्रुथ के बारे में बात की है. और सारी तो नहीं, आज की ही हम ले लें तो इसमें भी है. हाँ, न्यू सीरीज, एक न्यू सीरीज शुरू करी है हमने, जिसका नाम है समथिंग लिरिकल, लिरिकल मिस्ट्रीज. हाँ, थैंक यू, लिरिकल मिस्ट्रीज इसका नाम है. और इसमें 7 डेज का एक कोर्स कराने का लक्ष्य है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉन्ग्स ना. तो ये अवेलेबल है यूट्यूब पे. आप कोई अगर यहाँ पे सेंड कर दे चैट में तो देव भाई को मिल जाएगा. कोई अगर भेज सकता है तो यहाँ पे भेज दे. ओके, इफ ऑल द पार्ट्स दैट वी प्ले आर प्री रिटन, वी डोंट हैव एनी ओनरशिप ऑफ द एक्ट्स वी डू, फिर हमें अपने बुरे कर्म की सजा क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है क्योंकि बिकॉज ऑफ आइडेंटिटीज. जब हम अपने को पार्ट समझ के बुरा या अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड भी उसी को मिलेगा ना, ओनली बिकॉज ऑफ आइडेंटिटीज. ये तो अभी हमको एक अभी अभी क्लैरिटी हो रही है कि ये अलग है कि अलग है ना. लेकिन जब तक जहां पे भी एक भी डोर अटैच्ड है पार्ट के साथ, उससे हम जो भी एक्ट करेंगे उसका सजा भी मिलेगी, उसका रिवॉर्ड भी आएगा ना, जो भी, वट एवर वी डू. तो इसीलिए रोल है, बट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है. इसीलिए आत्मा को अवेकन, जितना आत्मा अवेकन्ड है तो उतना वो रोल के थ्रू रिवॉर्ड्स कलेक्ट करेगी, अदरवाइज रोल के थ्रू पेनल्टीज कलेक्ट करेगी बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन विथ द पार्ट. अभी होमवर्क यही है कि दिन में 5 बार हमें ड्रिल करनी है ना. ये अभी रिकॉर्डिंग आएगी ना, तो इसमें आप देखिएगा कैसे समझाया है. जी, ओके. ये कौन सी रिपीटेड क्वेरी है? ये पार्ट वाली, प्री डेस्टिन पार्ट वाली. ओके, कर्मों की सजा क्यों? ओके, हाँ ठीक है. कर्मों की सजा वैसे तो इसीलिए, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ना, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन विद द पार्ट. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ड्रामा में क्या चल रहा है? खेल चल रहा है ना. तो बाबा और आत्मा का एक दूसरे से बहुत प्यार है बट इसी ड्रामा में वो जो आत्मा है उसका कोई रोल है ना. तो वो क्रिकेट का मैच चल रहा है और बाबा, हम कह लें इसी ड्रामा में वो भी एक पार्ट प्ले करते हैं जिसमें उनका रोल है रेफरी का, न्यूट्रल उनका ये रोल है. तो अब घर पे रेफरी का और बच्चे का बहुत प्यार है, लेकिन खेल में अगर हम आउट हो गए तो रेफरी ये नहीं कह सकता ना कि अरे ये तो मेरा बेटा है, इसको आओ मत करो, आउट ना, आउट मीन्स आउट. तो इस तरीके से परमात्मा, जब हम इस ड्रामा में आते हैं तो देन वहां पर एक खेल चल रहा है ना. तो अंदर में बाहर में हार जीत का बना हुआ खेल है, उस खेल से जो आत्मा डिटैच्ड है
हार आ रही है रोल में, जीत आ रही है, उससे डिटैच है, तो हर बार उसको रिवॉर्ड कलेक्ट हो रहा है। लेकिन हार का एपिसोड चल रहा है, जीत का एपिसोड चल रहा है, बट अटैच्ड है, तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, उस बेसिस पे पेनल्टी मिलेगी। तो ये विद इन द खेल इस तरीके से होता है, विद इन द ड्रामा, है ना, जो कि एक खेल भी है। तो यहाँ पे सब प्लेयर्स भी हैं, फिर सारी सोल्स प्लेयर्स हैं ना, और प्लेयर किस चीज में है, अटैचमेंट डिटैचमेंट ना, जितना जो डिटैच्ड है उसको उतना रिवॉर्ड है, जितना जो अटैच्ड है उतना फिर पेनल्टीज है। हाँ है ना जी, इज इट फॉल्स और ट्रूथ? हाँ इट इज ट्रूथ, इट इज ट्रू कि आप ये जो है माया जो कह रही है ये सच है, जो आपके अंदर थॉट आ रहा है ना, दैट इज वेरी मच ट्रू। या किसी ने कहा है ये कि कोई दूसरी आत्मा बुरे कर्म करती है, अगर दूसरों से हम क्षमा भाव देखते हैं तो क्या माफी मिलती है? कोई दूसरी आत्मा बुरा कर्म करती है, काम करती है, अगर दूसरों से हम क्षमा भाव देखते हैं तो क्या माफी मिलती है? दूसरा जो कर रहा है उसको फ्री होने के लिए उसे ही कुछ करना है, हम जो कर रहे हैं उससे फ्री होने के लिए इस सोल को कुछ करना है ना, तो ये सोल जितना फ्री है तो इसको नेचुरली वो क्षमा भाव सब मिलता है, बट दूसरे किसी के कर्म का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, ओम शांति। परसों मिलते हैं, ओम शांति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।